हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? चलो अपन चलते हैं मैक अरीना में। सबसे पहली बात, अपन आज पैरागॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो अपन को बहुत मजा दिलाएगी। चलो सबसे पहली बात, चलो फटाफट चल जा आज पैरागॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। चलो चल जा फटाफट से चल जा, आज पैरागॉन के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी तो जाननी है। तो गाइस सिर्फ एक मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि डाउनलोड हो रहा है ना नीचे, क्योंकि इसका डाउनलोड 11% हुआ है। फटाफट से चलते हैं, बस तो एक मिनट रुक जाइए। सिर्फ ओनली गाइस ओनली 1 मिनट। चलो गाइस चल गया है मैक अरीना। अब मैंने कहा था ना एक मिनट रुकना, और ये चल गया। ठीक है, ओके। आज मैंने थोड़ी लेट वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि आज बहुत बड़ा अपडेट आया था ना इसका। चलो देखते हैं क्या क्या नया अपडेट में आया। पता नहीं क्या आया है अपडेट में, पता नहीं। देखते हैं इसकी स्किन्स और कौन सी आई है। आज पैरागॉन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे ना अपन। चलो यार सबसे पहली बात, आज अपन पैरागॉन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले इसकी स्किन्स देखते हैं। ओके, इसकी तो 25,000 की है। ये अच्छी नहीं लग रही है, ये भी अच्छी नहीं है। फ्लोरेन जैसी लग रही है, बोरिंग। ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा बोरिंग है। ये भी थोड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो लड़कियों का कलर है। ये सैंड है। ओ ये अच्छा है। ओ ये तो मस्त साउंड, रॉकी ये ब्रो, रॉकी। तो चलो इसके पेंट जॉब से ले देखते हैं। मैंने तो इसमें क्रिज्मा ले रखा है, ये वाइट अच्छा नहीं लगा है। मैंने तो इसमें क्रिज्मा ले रखा है। कौन सा वाला ले रखा था? हाँ ये, इसका नाम क्या है, क्रिज्मा ट्यूरस कोई कुछ नाम है ऐसा। और मैंने इसकी जो लाइनिंग जो होती है ऑफिशियल वाली, इसमें मैंने क्रिज्मा ले रखा है। ऑरेंज अच्छा नहीं, ये मैं और कलर बताता हूँ, ब्लैक क्रिज्मा बहुत अच्छा है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, और अपन आज इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिगनर्स के लिए सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, जब अपन मैं कोई ना चालू करते हैं ना, जब अपन शुरू से, तो ये पैरागॉन ही होता है, और इसके और यही अपन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे अपन के पैंथर किलचॉट ये सब खुलते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने इस पे लगा रखी है थर्मल लेंस 6 और दूसरे पे RPG 2। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड है, अच्छा। जब शुरू में आते हैं तो इस पे 2 गन लगी होती है, एक तो ये वाली, इसका नाम क्या है, ऑटो कैनन 4, और दूसरे पे ऑटो कैनन 4। तो ये जोड़ी से अपना पैरागन पूरा तैयार होता है। शुरू में आप इससे ही आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर जब आपका लेंसर के पास जैगरनॉट खुल जाता है, जब जैगरनॉट खुल जाता है ना, तो मैं आपको सलाह देता हूँ, मतलब एडवाइस देता हूँ कि आप इस पे RPG 4 लगाइए। मेरे को तो पता ही नहीं चलता था कि कौन सी गन से मारता है भैया, पता ही नहीं चलता है। हम दूसरे पे अब अपन लगाते हैं, दूसरे पे आप लगा सकते हैं जब आपका जैगरनॉट सब खुल जाता है। हाँ सॉरी, पहले पे आप, हाँ ये दूसरे पे आप ये लगा सकते हैं। हाँ ये सही है, क्योंकि ये और तेज चलती है RPG 6। और पहले पे आप लगा सकते हैं, इसका क्या नाम था, RPG 2। RPG 2 मैंने किसी और पे लगा रखी है, हाँ ये रही RPG 2। तो इस जोड़ी से आपका जब जगरनॉट सब खुलता है, तो आप जो आपका दुश्मन होगा उसे आसानी से मार सकते हैं इस जोड़ी पर। शुरू में आपको
ये ऑटो कैनन 4 ही लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत करती है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पैरागॉन बहुत अच्छा है, पर आगे जाके बहुत बोरिंग लगता है। इसको लेवल से लेवल करिए। अभी अपन थोड़ी देर में करते हैं। देखिए, शुरू में इसकी ज़रूरत थी, अपन आगे बढ़ते हैं और इसकी एबिलिटी बूस्ट कर देती है, मतलब इसको पावर देती है और ये बहुत फटाफट चलते हैं। इसकी एबिलिटी अच्छी है, अगर आप कहीं दुश्मन से हो तो भाग सकते हो वहाँ से, अगर आप खतरे में हो तो भाग सकते हो। अगर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब आपका जैगरनॉट खुल जाए तो RPG 2 और RPG 6 लगा सकते हो, और जब आप बिगनर हैं तो ऑटो कैनन फोर दोनों पे लगा सकते हैं। RPG में ऐसा होता है कि इसमें मिसाइल छूटती है RPG में, और ऑटो कैनन में आपको पता ही है ऐसे मस्ती में ऐसे चलता है, और RPG कैनन में ऐसे ऐसे चलता है। अगर मैंने तो अभी RP अगर जैसे आपकी आप इस पर क्या करिए, मैं अगर मेरी जैसी लगानी है, अगर आपके किल शॉट पेंथर सब खुल जाता है तो आप RPG पहले वाले पे फोन पे RPG 4 लगाइए, और दूसरे पे मैं बता रहा हूँ थर्मल लेंस 6, ठीक है। अच्छा, ये ओवरलोड है ना, तो आप RPG 2 लगा दीजिए। अब थोड़ा थर्मल लेंस 6 के बारे में जानते हैं। थर्मल लेंस 6 क्या, देखिए सबसे पहले थर्मल लेंस के बारे में चलते हैं। थर्मल लेंस की देखिए, जूम जूम करके थर्मल लेंस में बहुत छोटा सा है ये, तो इससे बहुत थर्मल निकलती है, मतलब ओवर हीट बहुत कम करती है। अब अपन थर्मल लेंस 4 पे चलते हैं, जिसमें थोड़ा सा बड़ा होता है। अब अपन थर्मल लेंस 6 पे चलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है और ज़्यादा ही ओवरहीट कर देता है। आप ये आराम से लगा सकते हैं, इसी छोड़ी के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन चलते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मिसाइल से खेल सकता हूँ, क्योंकि शुरू में आपके मिसाइल से खुलेगी, तो आज आपको मिसाइल से खेल के दिखाते हैं। ठीक है, थर्मल लेंस के साथ कभी कोई दूसरी अगली वीडियो में खेलेंगे अपन। ठीक है, इसमें RPG 6 लगा दी। मैं आपको मिसाइल्स के RPG 6 और RPG 2 के साथ खेल के दिखा रहा हूँ। जल्द से जल्द अपन चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो, अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं मेरे गाइस के लिए, और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाऊं जिससे आपको बहुत अच्छी लगे मेरी वीडियोस। सबसे पहले अपन तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप चलो अपन पैरागॉन को निकालते हैं। तो गाइस, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओह नो, थोड़ा पीछे आ जाइए। ओह नो, तो पहले मैं सॉरी यार, अपने किल नहीं कर पाए। नहीं यार, अपन एक बैटल नहीं खेलेंगे, अपन लीव बैटल कर देते हैं। चलो यार, किल शॉट को निकाल के जीत जाते फटाफट मैच। सॉरी गाइस यार, अभी मैं फटाफट से, इलाका सही नहीं है, जब ऐसे इलाके में हो ना तो भाग जाओ आप, सच्ची में कह रहा हूँ मैं, भाग जाओ, डरने की कोई नहीं। आप कहोगे कि हम तो डरते नहीं हैं यार। क्या अटक गया है? ओ, टाइटन ने उड़ा दिया। अरे क्या हो रहा है आज, फटाफट पैंथर, अपन हार जाते हैं आज मैच। आपको पेन को है ना, पैराकॉन के बारे में बहुत कुछ बताना भी तो है। यहाँ से पतली गली से निकल जाओ भैया, सच कह रहा हूँ।
फटाफट से भैया निकल जाओ पतली गली से। फटाफट से ये मैच फटाफट से खत्म करो, वरना बहुत भयंकर बिगड़ा हुआ है। देखिए देखिए भैया, ये देखिए एमडी के पास रहना अच्छा होता है। फटाफट से मेरे को मदद कर दे यार, सनी ने उड़ा दिया अपन को, वैसे ही हारना है मेरे को। आपको आपको पैराकोन के बारे में बहुत कुछ बताना भी तो है। लेंसर के बारे में चलते हैं, ये तो बहुत बोरिंग लगता है। मैंने तो यू ही ले लिया, पिछली वीडियो में आपको बताया था ना, तो मैं हटाना भूल गया से। सनी आजा, अब तू गया काम से। किसको बुलाया तूने? कौन है, पैंथर है क्या? अच्छा थैंक यू है पैंथर। देखिए 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 बहुत अच्छे, फटाफट से अपन निकल जाते हैं, लीव बैटल कर देते हैं। तो मैं पैरागॉन को कह रहा था आज, सॉरी यार कुछ भी नहीं मार पाया, पर पैरागॉन एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत शानदार खिलाड़ी है। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये ऑटो कैनन ये लगानी पड़ती है। अरे यार 30 कम हुई, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब मैं आपको एक ही थिंग कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे साथ खेलना है ना, तो मैं मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आपकी आईडी कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि सबके साथ सबका विकास। चलो दोस्तों यार, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार मैं कौन सी गन लगाऊँ। अगर आपको जो गन लगानी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखी है, मैं वो गन पक्का लिखाऊंगा। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, थोड़े जने कहते हैं हाँ ये लगाओ, तो मैं ज़रूर कहते हूँ हाँ लगा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब बस वीडियो का एंड हो रहा है पैरागॉन के पास। अब बस इतनी सी, आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी पैरागॉन के पास, बस अब वीडियो का एंड हो रहा है। तो मैं लास्ट एक ही थिंग कह रहा हूँ, जो भी आपको हमारा रोबोट अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बोलेंगे तो वो रोबोट मैं ज़रूर रोज उतारूँगा, ज़रूर जो आप कहोगे वो रोबोट का मैं वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। चलो वीडियो का एंड हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि और जिससे मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो ओके गाइस, बाय 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 दोस्तों, बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे।